छपरा में आरजेडी और बीजेपी समर्थकों में फायरिंग हुई। इसमें एक युवक की मौत हो गई है जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी आरजेडी के समर्थक बताए जा रहे हैं। मौत के बाद से इलाके में तनाव है। लोग दोषियों की गिरफ्तारी को लेकर हंगामा कर रहे हैं। एसपी गौरव बंगला ने खुद मोर्चा संभाल रखा है और लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। तनाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने दो दिनों के लिए छपरा में इंटरनेट भी बंद कर दिया। बता दें कि आज सुबह मुफस्सिल थाना के तेलपा भिकारी चौक के पास फायरिंग हुई। मामले को लेकर एसपी गौरव मंगला ने बताया कि कल वोटिंग के दौरान बीजेपी और आरजेडी समर्थकों में झड़प हुई थी और आज उसी की प्रतिक्रिया में फायरिंग हुई है। सावन के डीएम अमन समीर ने मौत की बात स्वीकार की है और कई राउंड गोली चलाई गई। कल रोहिणी आचार्य के बूथ संख्या 118 पर आने पर चुनाव के दौरान तनाव बढ़ा था। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच पत्थरबाजी भी हुई थी। यहाँ पर कल एक विवाद हुआ था, दो पार्टी जो है आरजेडी और बीजेपी के वर्कर्स के बीच में, जहाँ कैंडिडेट की उपस्थिति में विवाद हुआ था, उसी की प्रतिक्रिया में आज कुछ व्यक्तियों के द्वारा कुछ लोगों को गोली मारी गई है। इसमें तीन व्यक्तियों को गोली लगी है जिसमें से एक की मृत्यु हुई है, एक अन्य व्यक्ति को पटना रेफर किया गया है एवं एक अन्य व्यक्ति सेफ है। इसमें पुलिस जो भी यहाँ पे घटना कारित किए हैं इनको आइडेंटिफाई करके अरेस्ट करने का प्रयास कर रही है। साथ में जो लोग यहाँ इसको इंसाइट किए हैं इस घटना को, उस संबंध में भी जांच करके हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे। अभी भी जो क्राउड को इंसाइट करने का प्रयास कर रहे हैं उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा इंटरनेट को बैन भी किया जाएगा पूरे जिले में कुछ समय के लिए, और लगातार हमारा हर जगह पर फ्लैग मार्च भी रहेगा।